क्वेश्चन नंबर 651, किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 652, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए संविधान द्वारा, ऑप्शन बी संसद के कानून द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ऑप्शन डी 1947 के अधिनियम द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन ए संविधान द्वारा। क्वेश्चन नंबर 653, रिट जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालयों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 654, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधि मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 655, भारतीय संविधान के अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा का अध्यक्ष। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 656, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद का सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका आंसर है ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 657, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका आंसर है ऑप्शन बी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 658, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं, ऑप्शन सी जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 659, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? ऑप्शन ए बंदी प्रतिक्षीकरण रिट, ऑप्शन बी परिवर्तन
परमादेश रिट, ऑप्शन सी उत्प्रेषण लेख रिट, ऑप्शन डी वारंट। इसका आंसर है ऑप्शन ए बंदी प्रतिक्षीकरण रिट। क्वेश्चन नंबर 660, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। इसका आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 661, भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी कोई भी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी कोई भी सेशन न्यायालय, ऑप्शन डी भारत का कोई भी विधि न्यायालय। इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत का कोई भी विधि न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 662, भारत में 2009 में निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 663, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 664, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है ऑप्शन ए सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका, ऑप्शन बी सुगठित दलगत प्रणाली, ऑप्शन सी सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकरण। इसका आंसर है ऑप्शन ए सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 665, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है ऑप्शन ए कोई उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी कोई उप न्यायालय, ऑप्शन सी जिला न्यायालय, ऑप्शन डी प्रशासनिक अधिकरण। इसका आंसर है ऑप्शन ए कोई उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 666, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 31। इसका आंसर है ऑप्शन डी 31। क्वेश्चन नंबर 667, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसने की थी ऑप्शन ए 1773 का विनियामक अधिनियम, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर अधिनियम। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1773 का विनियामक अधिनियम।
क्वेश्चन नंबर 668, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1946। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1916। क्वेश्चन नंबर 669, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए सिविल न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी जिला न्यायालय। इसका आंसर है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 670, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले संसदीय लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय से न्याय मांगने वाले निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले राज्य, ऑप्शन डी कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 671, भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी महालेखापाल, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल, ऑप्शन डी सॉलिसिटर जनरल। इसका आंसर है ऑप्शन ए महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 672, जनहित याचिका का मतलब क्या है? ऑप्शन ए कुछ भी जिसमें जनहित हो, ऑप्शन बी पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, ऑप्शन सी किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश। इसका आंसर है ऑप्शन सी किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। क्वेश्चन नंबर 673, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? ऑप्शन ए सलाहकार क्षेत्राधिकारिता, ऑप्शन बी मूल क्षेत्राधिकारिता, ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकारिता, ऑप्शन डी न्यायशास्त्र। इसका आंसर है ऑप्शन बी मूल क्षेत्राधिकारिता। क्वेश्चन नंबर 674, अधीनस्थ न्यायालयों को पर्यवेक्षण कौन करता है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी जिला न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। इसका आंसर है ऑप्शन सी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 675, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों का उत्थान, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों का उत्थान, ऑप्शन सी बाल विवाह, ऑप्शन डी महिलाओं का सशक्तिकरण। इसका आंसर है ऑप्शन सी बाल विवाह।